राज्यपाल के अभिभाषण को कांग्रेस किस तरह से देखती है, इस पे उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कमलेश्वर पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश्वर जी, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, राज्यपाल का जो आज का अभिभाषण था वो सत्यता से कोसों दूर है, और सरकार ने समझते हैं कि अभिभाषण के माध्यम से प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, और जिन जिन बातों का उल्लेख किया है, चाहे वो बेरोजगारों की बात करें, चाहे उद्योग की बात करें, चाहे कृषि के क्षेत्र में बात करें, चाहे बिजली की समस्या की बात करें, चाहे आपका खाद्यान्न वितरण प्रणाली की बात करें, निराश्रितों की बात करें, सभी जगह भारी भ्रष्टाचार है, धांधली है। हो सकता है कि जितनी बातें की गई है, ये योजनाएं सिर्फ कागजों पे ऐसे लगता है कि संचालित है, आम जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और चाहे नमामि देवी नर्मदा यात्रा की बात करें तो नमामि देवी नर्मदा यात्रा तो सरकार एक तरफ कर रही है, और दूसरी तरफ सरकार खुद नर्मदा जी को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र कर रही है। एक तरफ जहां कोको कोला कंपनी को वहां पे कोका पे जल उपलब्ध कराने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए एनओसी दी है, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा अगर अवैध उत्खनन हो रहा है तो नर्मदा जी में हो रहा है, और सरकार के नाकों के नीचे हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के परिजन भी शामिल हैं, और भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके संरक्षण में पूरे प्रदेश में अवैध उत्खनन जोरों से चल रहा है। मुख्यमंत्री युवा, अगर हम रोजगार की बात करें, आपने देखा होगा अभिभाषण के जो आपको अगर बुक मिली होगी, तो 5000 लोगों को अगर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का पूरे प्रदेश में लाभ मिला है, बहुत सीमित संख्या है। जहां लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, और जितने भी उद्योग लगे हैं मध्य प्रदेश में, पहली बात तो नए कोई उद्योग लगे नहीं, सिर्फ जितना इन्वेस्टर्स मीट के नाम पे प्रदेश सरकार ने खर्चा किया है वो कहीं, अगर प्रदेश में जो उद्योग लघु उद्योग हो या प्रदेश में जो स्थापित उद्योग हैं उनको अगर प्रोत्साहित करते तो हम समझते हैं कि ज़्यादा नौजवानों को और प्रदेश के विकास में सहभागिता बन सकती थी। पर प्रदेश सरकार दिखावे का ज़्यादा काम कर रही है, एक इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार हो गई है। आनंदम जो मंत्रालय गठित किया है, हमको लगता है आनंद में सरकार तो है पर प्रदेश की जनता नहीं है, पूरी तरह से खारिज यहाँ पर कमलेश्वर पटेल करें। तो कांग्रेस ने इस पूरे अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस के तेवर आने वाले बजट सत्र में और तीखे हो सकते हैं। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल।